हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल। वेलकम टू ओपन कंसल्ट। एंड आज हम एक ऐसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिससे कि अगर आप पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स, फिशर इन एनो या फिस्टुला इन एनो के मरीज हैं तो आपकी काफ़ी उससे मदद हो सकती है। ये है वो चीज़ जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड चलिए शुरू करते हैं। इसको कहते हैं सिट्स बाथ फाउंटेन। तो सिट्स बाथ का मतलब होता है कि वो जो गर्म पानी की सेक लेने के लिए मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ, या जो भी आपके जनरल सर्जन होंगे जिनको आपने कभी दिखाया होगा, वो एक टेक्निक की बात करते हैं जिसमें आपको गर्म पानी में बैठना होता है और अपने नीचे के एरिया को सेक देनी होती है। बट वो करना उतना आसान भी नहीं होता है जितना कि आप समझते हैं। कई बार लोग उसमें काफ़ी गलतियाँ कर बैठते हैं, वो स्टीम लेने लगते हैं बिकॉज उनको लगता है कि स्टीम से फ़ायदा होता है। तो ये उसको और सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एकदम मेड इन इंडिया है। एंड हमारे एक सीनियर सर्जन हैं, टीचर हैं, जिन्होंने ये खुद डिज़ाइन किया है अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स के लिए। एंड अब ये अवेलेबल है अमेज़ॉन वगैरह पे, तो लोग अपने लिए पर्सनली भी ले सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे इनोवेटिव चीज़ें डॉक्टर्स डिज़ाइन करते हैं जिससे कि लोगों का फ़ायदा होता है। मैं खोल रहा हूँ, इसकी पैकिंग काफ़ी तगड़ी आई है इसकी, और काफ़ी सॉलिड भी है ये। तो ये है गाइस सिट्स बाथ फाउंटेन। तो सिट्स बाथ लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप एक गर्म पानी का टब लें, एक चौड़ा सा टब लें, एंड उसमें जो नहाने वाले टेम्परेचर का पानी होता है वो लेके उसमें बैठ जाइए। बट कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको जोड़ों में दर्द होते हैं, एज उनकी ज़्यादा होती है, या उनको सही साइज़ का टब नहीं मिलता है, उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है कि पानी में बैठना है या उसकी स्टीम लेनी है वगैरह वगैरह। अलग अलग कठिनाइयाँ होती हैं जो कि एज अ डॉक्टर हम उतना रियलाइज़ नहीं कर पाते बिकॉज हम तो ऑर्डर देके भूल जाते हैं एंड फिर आप डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, इवेंचुअली ठीक नहीं होते हैं। तो सिट्स बाथ फाउंटेन यानी कि एक तरीके का स्टूल होता है। तो ये एक स्टूल है जिसके यहाँ पर एक ऐसे छेद बना हुआ है एंड यहाँ पे एक बकेट है। तो आइडिया ये है कि इसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठ सकता है। एंड ये जो बकेट है उसके अंदर ये जो काला काला दिख रहा है, ये एक सबमर्सिबल मोटर है। तो ये जो मोटर है उसमें एक यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर है, वहाँ तक अगर पानी भर दिया जाए तो ये मोटर एक फाउंटेन क्रिएट करेगा, यानी कि पानी उड़ के यहाँ तक आएगा। एंड आप बैठे हुए हैं तो आपका जो बॉटम रीजन है, जो आपका एनल रीजन है, वो एकदम बीच में होगा, तो वो फाउंटेन आपको सिट्स बाथ दे पाएगा। इसको यूज़ करने के मेरे हिसाब से एज अ डॉक्टर कई सारे फ़ायदे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको कि नॉर्मल सिट्स बाथ करने में तकलीफ कभी महसूस हुई है, एंड इससे ऐसे पेशेंट्स की लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो पेशेंट्स हैं पाइल्स वगैरह के, एंड उनकी ये काफ़ी मदद कर सकती है। एंड नॉट जस्ट पाइल्स पेशेंट्स, बट ऐसे पेशेंट्स जिनकी सर्जरी हुई है, फॉर एग्जांपल फीमेल पेशेंट्स हैं जिनकी कोई हिस्टरेक्टमी की सर्जरी हुई है, या उनकी कोई और पेरिनियल रीजन की कोई सर्जरी हुई है, एपिजियोटॉमी का उनका वूंड है जो डिलीवरी के बाद होता है, उनको गर्म पानी की लेने के लिए अगर कहा गया है, तो ये जो सिट्स बाथ फाउंटेन है ये काफ़ी उनकी मदद कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप इसका पैकेज खोलेंगे तो ये सारी चीज़ें अरेंज्ड ही आती है, आपको कुछ करना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मोटर अपनी जगह से हिल गई हो, उसका जो थोड़ा ग्लू होता है वो निकल गया हो, बट उसको आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, बट मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया एंड मुझे लगा कि ठीक ही है। अदरवाइज़ जनरली कोई भी प्रोडक्ट में थोड़ी भी गड़बड़ आ गई तो आप वापस कर सकते हैं, कर देते हैं, एंड आई एम श्योर आप ये भी कर पाएंगे क्योंकि मैंने भी अमेज़ॉन से ही मंगाया है एंड उस पर रिटर्न वगैरह अवेलेबल होता है। बट मुझे लगा कि अगर यूज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके साथ एक पेपर आता है जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस मैं देख रहा हूँ कि इसमें इंग्लिश में है और हिंदी में है। तो इंग्लिश एंड हिंदी दो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, एंड इसमें काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस है कि इनको कौन सी पेटेंट मिली है, कितने वॉट्स की मोटर है, कितने वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक पंप है, और कितने इसके डायमेंशंस है। जैसे कि इसका वेट 2.5 केजी है, जो इसमें मोटर लगी है 220 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिक मोटर है सबमर्सिबल, एंड इसके साथ में काफ़ी सारे सेफ्टी सर्टिफिकेशंस है। बिकॉज मुझे भी ये डाउट आया था कि अगर कोई इसमें बैठ रहा है, पानी में मोटर डूबी हुई है एंड वही पानी आपको बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो
क्या चांसेस है कि आपको शॉक लग जाए, करंट लग जाए, बट बिकॉज ये किसी डॉक्टर ने डिज़ाइन की है एंड इसको रिगरसली टेस्ट किया गया है, इनके पास इनफ सेफ्टी के सर्टिफिकेशन है, तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इससे किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उनके हिसाब से यहाँ पर एक वाटर लेवल मार्क बना हुआ है, वहाँ तक पानी भरना होता है एंड गर्म पानी भरना है, यानी कि जो नहाने के टेम्परेचर वाला पानी है वो भरना होता है एंड उसके बाद में आपको इसके ऊपर बैठ जाना है। ये जो प्लग है यहाँ पे, इसको प्लग पॉइंट में डालेंगे, यहाँ पर एक बटन है जिसको ऑन करेंगे तो फाउंटेन जो है एक हाइट तक आएगा एंड वो हाइट भी काफ़ी कैलकुलेटेड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से आ जाएगा। तो हमको वाटर लेवल मार्क तक पानी भरना है। लगभग 3 से 4 मग पानी लग गया था, 3, 3.5, 4 मग, ये साइज़ का मग है मेरे पास एंड वाटर लेवल मार्क आने तक 3-4 मग यूज़ हो गए थे, तो इतना पानी लगता है। इसको ऑन करके देखता हूँ कि ये सिड्स बाथ फाउंटेन कैसे चलता है। ओके, तो आई थिंक जब आप बैठोगे तो ये जो पानी की हाइट है यहाँ तक ये फाउंटेन आएगा एंड उससे आपको सेक मिलती रहेगी एंड ऑफकोर्स ये पानी गर्म होगा जो कि आप गर्म डालेंगे। अगर आप पानी खाली करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे एक नल दिया हुआ है जिससे कि आप पानी खाली कर सकते हो, तो आपको ये पूरा लेके उल्टा नहीं करना पड़ेगा। क्या मस्त है। तो सिक्स बात की जगह जकूजी हो गया ये तो। तो ऑल इन ऑल आई थिंक आई एम हैप्पी विद द मेडिकल इनोवेशन जो कि अपने यहाँ पे हो रहा है, अपनी कंट्री में हो रहा है एंड जो डॉक्टर्स हैं वो समय निकाल के नई डिवाइसेस बना रहे हैं, लो कॉस्ट डिवाइसेस, अफोर्डेबल डिवाइसेस बना रहे हैं एंड दैट मेक्स मी रियली हैप्पी। आई होप कि इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो, आपको ये नई चीज़ के बारे में पता चला हो जिससे कि आपके जो सिड्स बाथ वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा इफ़ देर इज़ एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विथ दैट यू वुड लाइक टू आस्क, शेयर, टेल मी अबाउट, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट अस कीप इन टच, शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प ईच अदर एंड वेरी सून आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।